सो हे गाइस, व्हाट्स अप। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, मैं बेड पे लेटा पड़ा हूँ। तो आप लोगों को पता ही है, इस वक्त लॉकडाउन चल रहा है पूरे भारत में, पूरे इंडिया के अंदर लॉकडाउन चल रहा है। और 21 डेज का ये लॉकडाउन है, 22 मार्च से लेकर आपको 14-15 अप्रैल तक ये बंद रहेगा पूरा इंडिया। और सबसे बड़ी बात, ये डेट आगे भी जा सकती है, ठीक है। कोई फिक्स नहीं है कि 15 अप्रैल को ओपन हो जाएगा इंडिया, क्योंकि आप लोगों को पता है केसेस ऑलरेडी बढ़ रहे हैं। तो मे बी चांसेस तो यही है कि डेट आगे चली जाए। तो ये आज की जो वीडियो होने वाली है, मेरी ही पर्सनल लाइफ के ऊपर होने वाली है कि मैं इस दौरान क्या कर रहा हूँ और किस तरह से हम इस दिन को काटने वाले हैं। मैं क्या कर रहा हूँ घर पर, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है, लॉकडाउन चल रहा है पूरे इंडिया में, लेकिन कुछ लोग इसका पालन नहीं कर रहे। तो सबसे पहले उसका नज़ारा आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। नज़ारा आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गाइस देख सकते हो यहाँ से, ये मेरे घर से व्यू है। और आप देख सकते हो ये किराने की शॉप है, राशन की शॉप, जनरल स्टोर। गाड़ी खड़ी है, लोग गाड़ी से आ रहे जा रहे, घूम रहे। और जबकि आप लोगों को पता है कि धारा 144 लगी हुई है पूरे इंडिया में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी कि घर से मत निकलो, क्योंकि धारा 144 लगी है। काफ़ी वीडियोस भी वायरल हो रही है इसके ऊपर कि पुलिस के डंडे पड़ रहे लोगों को, लेकिन लोग है कि तब भी नहीं सुधर रहे। तो कृपया करके अपने घर पर बैठे और एंजॉय करो। घर पे एंजॉय नहीं हो रहा है तब भी घर पे रहो, क्योंकि अगर आप बाहर जाओगे तो हो सकता है आप कोरोना लेकर अपने घर में वापस आ जाओ, जिससे आपके घर में फैमिली मेम्बर्स को भी कोरोना हो जाएगा। सबको पता है कि ये छूने से फैल रहा है। तो अच्छा यही है कि घर पे ही रहो, अगर ज़रूरत है तो ही बाहर जाओ, सबसे रिक्वेस्ट है। आज की वीडियो में बेसिकली यही होने वाला है कि मैं सारा दिन क्या करता हूँ घर पर, क्योंकि मैं इस वक्त हूँ अकेला। तो मैं सारा दिन क्या कर रहा हूँ घर पर, कब उठ रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, किस तरह से इन दौरान मैं मतलब अपना टाइम पास कर रहा हूँ, तो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। फिलहाल इस वक्त बज रहे हैं, मैं आप लोगों को टाइम दिखा देता हूँ। इस वक्त हो रहा है 1:40, और 1:40 PM हो रहा है, ठीक है ना। रात की टाइम नहीं है, सुबह का टाइम है, जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया बाहर का व्यू। तो 1:40 हो रहा है और मैं इस वक्त हो चुका हूँ बहुत ज़्यादा लेट, और वैसे कुछ ज़्यादा काम भी नहीं है। तो फिलहाल जा रहा हूँ नहाने के लिए, नहा कर आता हूँ, फिर आप लोगों के साथ बात करते हैं। मैंने पूजा वगैरह की, तो ये मेरा डेली का रूटीन है। मैं पूजा करता हूँ, उसके बाद ही कुछ अपना काम वगैरह करता हूँ, खाता पीता हूँ। पहले नहाना है, उसके बाद पूजा जरूर करना है, ये डेली फिक्स है। आप लोग भी किया करो, जो लोग नहीं करते हैं किया करो, जो लोग करते हैं अच्छी बात है। चलो फिर अब मैं जा रहा हूँ ज़रा लंच करने, और मैं बाहर जा रहा हूँ लेकिन घर का खाना खाने जा रहा हूँ कहीं पर। तो ऐसा नहीं है कि मैं बाहर का अनहेल्दी फूड अभी खा रहा हूँ, वो भी कोरोना वायरस जब चल रहा है इस वक्त, घर का खाना खा रहा हूँ तो सेफली है। और आप लोग भी घर का ही खाना खाना, बाहर का खाना पीना बंद कर दो बिल्कुल ही। तो मैं लंच करके आता हूँ, फिर आप लोगों से बात करते हैं। एक चीज़ गाइस, अगर घर से बाहर जा रहे हो तो मास्क जरूर लगाना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपको सेफ रखेगा। तो मास्क लगाए, सैनिटाइजर यूज करें। मैं चलता हूँ, अब लंच करके आता हूँ, फिर आप लोगों से मिलते हैं। सो गाइज, मैं लंच करके आ चुका हूँ। और हालांकि अगर मैं एक्चुअल में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं जो आज का व्लॉग शूट कर रहा हूँ, तो मैंने आप लोगों को शायद 27th दिखाया था, लेकिन आज है 29th। मैंने उस दिन ये व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया, और मैं बड़ा मतलब इस वक्त आलसी सा हो रखा हूँ, मुझे व्लॉग बनाने का कोई भी मूड नहीं कर रहा। तो मैंने सोचा नहीं, ऐसा
बहुत दिन हो जाएंगे और शायद लॉकडाउन ज़्यादा बढ़ जाए तो और भी काफ़ी ज़्यादा दिन हो जाएंगे, तो वीडियोस आनी चाहिए। आप लोगों के साथ अपडेट रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आप लोगों को सारी चीज़ें पता चलती रहे। तो फिर आज का व्लॉग कंटिन्यू कर रहे हैं, और इस वक्त बज रहे हैं 5, 5:30 बज रहे हैं। तो मैं अभी इस वक्त इनफैक्ट लूडो वगैरह खेलता हूँ, तो आज तो अभी फ्रेंड वगैरह मना कर रहे थे, अभी मैंने व्हाट्सअप किया था तो कह रहे अभी थोड़ी देर में खेलते हैं, तो वो भी ज़्यादा ही आजकल सब लोग बिजी हो गए सीरीज़ वगैरह देखने में, तो क्या किया जाए। उससे पहले मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मैं लॉकडाउन से पहले गया हुआ था हौस खास, और वहाँ से मैंने परचेज़ किया था बियर्डो का चारकोल फेस वॉश। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मतलब मैंने व्लॉग्स भी बना रखे दो चार, मतलब हाँ 2-3 व्लॉग्स ऐसे आ रखे लाइफस्टाइल के ऊपर, जिसमें मैंने बियर्डो के प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया है, क्योंकि मुझे पर्सनली वो ज़्यादा बहुत अच्छे लगते हैं। मैं यूज़ करता हूँ, मुझे पसंद आते हैं, मैं डेली बेसिस पे वही यूज़ करता हूँ। इनफैक्ट मैं आपको अपने वॉशरूम में भी शो कर दूंगा, वहाँ पे भी मेरे जो भी प्रोडक्ट्स हैं सारे के सारे बियर्डो के ही है। तो मैं गया हुआ था हौस का और मेरा फेस वॉश ख़त्म हो चुका था, तो मैंने वहाँ से बाय किया फेस वॉश, और उन्होंने कहा था जेन्युइन है। लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत आ गई, किसी की कॉल आ रही है, देखता हूँ किसकी कॉल है, अटेंड करके फिर आप लोगों से बात करता हूँ। हाँ तो गाइज अभी क्लाइंट का फ़ोन आ गया था तो मैंने वो अटेंड कर लिया। तो मैं जैसा कि आप लोगों को बता रहा था कि बियर्डो का फेस वॉश मैं परचेज़ करके आया था, मैं अपने परचेज़ किया हॉस्का से और किसी सलोन से ये परचेज़ किया था। मैं नाम नहीं बताऊंगा, किसी को डिफेम नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन एक मैसेज आप लोगों को देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग भी बियर्डो वगैरह के फेस वॉश यूज़ करते हैं, या फिर ऐसे कुछ भी जो भी मतलब ऑनलाइन आजकल चीज़ें मिल रही है जिनके ऑफिशियल वेबसाइट पे है, वहाँ से अगर आप ले रहे हो या अमेजोन वगैरह से ले रहे हो ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स और आपको मार्केट में भी दिख जाए, तो प्लीज़ मार्केट से मत लेना। मतलब कुछ कह नहीं सकते कहाँ पर क्या फेक है रियल है, आप मतलब आपको लगेगा रियल है लेकिन वो होता फेक है, और वो कैसे फेक है मैं आप लोगों को वो शो कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए कि रियल फेस वॉश कौन सा है बियर्डो का और फेक कैसा होता है। तो चलो फिर मैं आप लोगों को वॉशरूम में ले चलता हूँ। देख सकते हो आप यहाँ पर मेरा बियर्डो का चारकोल फेस वॉश रखा है और स्क्रब वगैरह सब कुछ रखा है नीविया का यहाँ पर, और मैं अभी उस तरह का मैंने यहाँ पर किट मंगवाया था एंटी हेयर फॉल का, तो उसका शैम्पू है ये। तो ये है फेस वॉश जो मैं लेकर आया था हॉस्का से, तो ये बियर्डो का चारकोल फेस वॉश है, और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये फेक क्यों है। ठीक है, जिससे आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि भाई रियल और फेक में क्या डिफरेंस है। तो मैं यहाँ पर ड्रॉप इसके निकालता हूँ, ये अब आप गाइस यहाँ पर देख सकते हो कि ये काफी ज्यादा मतलब आपको वाइटनिंग ज्यादा दिख रही होगी इसके अंदर, फेस वॉश के अंदर आप देख सकते हो कि वाइटनिंग ज्यादा है, जो ब्लैक वाला पार्ट है वो आपको बहुत कम दिख रहा है, जो लाइनिंग जा रही है ब्लैक की बस इतनी सी ही दिख रही है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, जैसा कि आप लोगों ने देखा फेस वॉश जो है वो वाइटनिंग उसमें बहुत ज्यादा थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि उसमें पानी मिला हुआ है। ठीक है, मैं जो यूज करता था जो रियल फेस वॉश है जो मैं उनके ऑफिशियल वेबसाइट से परचेज कर रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा थिक होता है गाइस, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना पतला होता ही नहीं है कभी भी। मैंने एक नहीं मतलब 10-20 बार मैंने मंगवाया होगा, मैं रेगुलर मैंने आप लोगों को जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया मेरी पुरानी वीडियो देखो, मैंने एक कॉम्बो किट का उसमें रिव्यू किया था बियर्डो के चारकोल कॉम्बो का, तो बहुत पहले की वो वीडियो है और मैं तब से उससे पहले से भी यूज़ कर रहा हूँ फेस वॉश। तो ये फेक मेरे को पता है कि भाई रियल क्या है और फेक क्या है, तो मेरे को फर्स्ट डे ही ये चीज़ पता चल गई थी कि भाई ये फेस वॉश फेक है, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ अपने जैसे बिजनेस है आप लोगों को पता है, तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था ऑनलाइन बाय करने का। हालांकि 2 मिनट का काम है, कोई भी कमेंट करके बोलेगा 2 मिनट लगते हैं ऑनलाइन ले लो, लेकिन मैं गया हुआ था वहाँ पे मेरे को दिख गया, तो मैंने सोचा कि यहीं से क्यों ना परचेज कर लिया जाए, ऑनलाइन से ऑर्डर करो 2 से 4 दिन में आएंगे तो यहीं से ले लेता हूँ। लेकिन एक गलती होगी, और एक तो मैंने एक के साथ क्या मैंने 2 फेस वॉश लिए, मैंने बोला इकट्ठे 2 ले लेता हूँ, बार बार कौन परचेज करता रहेगा, तो इकट्ठे 2 ले लिए, तो लेकिन वो फेक निकल गया। तो मैं आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको अगर यूज़ करते हो ऐसे जैसे उस तरह के प्रोडक्ट्स हो गए बियर्डो के हो गए,
तो ऑनलाइन प्रेफर करना, मार्केट से कहीं से भी मतलब, चाहे अच्छी से अच्छी जगह चले जाओ या बुरी से बुरी जगह चले जाओ, मैं तो यही बोलूंगा आपको ऑफिशियल वेबसाइट से लो। इनफैक्ट अमेजोन वगैरह से भी परचेज मत करो, क्योंकि वहां पे भी थर्ड पार्टी सेलर होते हैं बीच में, तो वो आपको कैसा प्रोडक्ट भेज दे आपको भी नहीं पता। ऐसा होता नहीं है, अमेजोन से प्रोडक्ट अच्छे ही आते हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप ऑफिशियल वेबसाइट से ही परचेज करना, क्योंकि मेरे साथ तो धोखा हो गया और मेरा कट गया भाई। क्या मिलाया उसमें, क्या नहीं मिलाया, हमारी स्किन भी खराब हो सकती है, तो इस चीज़ का ध्यान जरूर देना जो भी अगर यूज़ करता है, क्योंकि काफ़ी उस वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ भी है और काफ़ी कमेंट्स भी आए। काफ़ी लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मेरे से पूछा था, भाई फेस वॉश मैंने मंगवाया है, मैंने किट मंगवाई है, मेरे को रिजल्ट अच्छा मिल रहा है, किसी को दिक्कत आ रही थी, तो उन्होंने भी मेरे से सजेशन लिए थे, काफ़ी सारे मतलब रिस्पॉन्स था। तो जो मेरे व्यूवर्स है या फिर कोई अदर वीडियो भी देख रहा है, जो मेरा सब्सक्राइबर नहीं है, हमारी फैमिली नहीं है, अदर कुछ भी मेंबर कोई भी देख रहा है, तो यही सजेशन करना चाहूँगा कि आप यूज़ करो ऑफिशियल वेबसाइट से ही लो, 2 दिन बाद लो बेशक, वहीं से लेना। मेरे से तो गलती हो गई और नेक्स्ट टाइम मैं ये गलती नहीं दोहराने वाला हूँ, मैं उनके ऑफिशियल वेबसाइट से ही परचेज करूँगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और मैं अब बना रहा हूँ अपने लिए शेक, और फिर आगे देखते हैं। मैं क्या कि यार अकेले ही रहता हूँ तो मुझे आदत है, और मैं मतलब इतना ऐसा नहीं है कि बोरियत बहुत ज़्यादा मुझे बोरियत फील होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं मैनेज कर लेता हूँ, मुझे सब चलता है, चाहे लॉकडाउन बहुत आगे भी अगर चला जाए 2 महीने 3 महीने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मैनेज कर लूँगा, क्योंकि मुझे खाना बनाना भी आता है, सब कुछ आता है। तो मैं घर पे मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें इंतज़ाम करके रखा है पहले, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है कभी तो मैं मैनेज कर सकता हूँ। इसके अंदर मैंने डाला था दूध, केले डाले, 2 केले डाले मैंने, और 1 डाला सिर्फ आइस क्यूब, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आप देख सकते हो सामान पड़ा है, तो मैंने सारी चीज़ें अपने लिए इंतजाम करके रखा है, आज भी काफ़ी चीज़ें लेकर आया हूँ, ये सब देख सकते हो। तो फिर 1 मंच भी डालेंगे आप शेक के अंदर, कुछ नया डिफरेंट ट्राई करेंगे। तो गाइस मेरा शेक तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखो, तो बढ़िया सा बनाना शेक मैंने बनाया, जिसके अंदर मैंने मंच डाला था, तो एक डिफरेंट टेस्ट आएगा इसके अंदर, और ट्राई करते हैं। बढ़िया शेक बनाया गाइस, आप भी घर पे रहो, एंजॉय करो, 21 दिन है, टीवी देखो, मूवी देखो, जो देखना है देखो, शेक बनाओ, खाओ पियो, मौज करो। और मैं मतलब लाइफस्टाइल व्लॉग फर्स्ट टाइम इस तरह से अपनी लाइफ के ऊपर बना रहा हूँ, तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर, बेल अगर आइकन आप नहीं प्रेस करते हो तो नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाती है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।